हरियाणा के पटौदी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि साइबर सिटी के पटौदी इलाके में 4 वर्षीय मासूम की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल कल देर रात पटौदी के खलीलपुर गांव में 2 बाइक्स पर आए 4 हथियारबंद युवकों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला बोलते हुए पहले घर के आंगन में खेलते 4 वर्षीय मासूम भव्य को गोली मारी। उसके बाद घर से थोड़ी दूर पर बैठे मृतक भव्य के पिता प्रवीण को गोली मार मौके से फरार हो गए। एसीपी क्राइम की माने तो दोनों को रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां 4 वर्षीय भव्य की मौत हो गई, जबकि प्रवीण की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो इस सनसनीखेज वारदात के महज कुछ घंटों के बाद पुलिस ने वारदात में शामिल चारों नामजद युवकों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। शुरुआती पूछताछ में मामला अवैध शराब की खरीद फरोख्त से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसको लेकर प्रवीण और नवीन उर्फ कैंची, हरीश उर्फ बामन, परमजीत उर्फ सूसू और यमन उर्फ भया में रंजिश चली आ रही थी, जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ा कि 4 वर्षीय मासूम की हत्या कर दी गई, जिसकी मृतक के पिता अस्पताल में गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें वहीं पुलिस ने चारों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर तफ्तीश शुरू कर दी है। एसीपी क्राइम की माने तो उन्हें रिमांड पर ले पुलिस इनकी क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी है। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, खलीलपुर में एक 4 वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला सामने आया, क्या कुछ मामला है? कल शाम को खलीलपुर गांव में दो मोटरसाइकिलों पे 4 लड़के आए और उन्होंने एक प्रवीण नाम का व्यक्ति था खलीलपुर का रहने वाला, उसको गोली मारी और उसके बाद उसके लड़के को, भव्य नाम था उसका, उसको गोली मारी और जो 4 साल का ही था और उस 4 साल के बच्चे की इसमें डेथ होगी इस घटना में और ये प्रवीण घायल है। तो हमने उसमें केस रजिस्टर कर लिया 302 के तहत और उसमें जो शामिल थे 4 लोग जिन्होंने वहाँ फायरिंग की थी उनमें से चार आदमियों को हमने अरेस्ट किया है, जिनके नाम हरीश उर्फ बामन और नवीन उर्फ कैची, सूरज उर्फ गोरू, यमन उर्फ भैया, ये सभी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे पूछताछ के बाद जैसी जैसी चीज़ें वेरीफाई होंगी वैसी वैसी इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ रंजिश सामने निकल के आई सर? इनका आपस में किसी बात को लेके झगड़ा था, प्रवीण का और ये आरोपी हरीश का, तो इसी वजह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, इस तरह की चीज़ें सामने आई। आरोपी को क्या कुछ आपराधिक रिकॉर्ड बना है? अभी मैंने बताया, अभी हमने उनको गिरफ्तार किया है, अभी पूछताछ करके उनके कंसर्न पुलिस स्टेशन से पूरा रिकॉर्ड हासिल करके और फिर हम इस बात की जानकारी आपको देंगे। प्रवीण की कंडीशन कैसी है? प्रवीण अभी उसका अंडर ट्रीटमेंट है और उसके बाद पता चल पाएगा उसकी क्या खतरे से बाहर है। अभी ये कह पाना संभव नहीं।